नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बिहार में शराबबंदी को लेकर राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। राष्ट्रीय जनता दल शराबबंदी को नाकाम बताकर नीतीश सरकार पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री शराबबंदी को लेकर टस से मस नहीं हो रहे हैं, पीछे हटने के मूड में नहीं। विपक्ष शराबबंदी को कानून व्यवस्था से भी जोड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इसे विपक्ष की राजनीति बताकर खुद को डिफेंड कर रहे हैं। यहां एक बात आपको जानना जरूरी है कि कभी शराबबंदी के नीतीश कुमार के फैसले में आरजेडी भी साझेदार थी, लेकिन अब विपक्ष में आने के बाद आरजेडी ने यू टर्न ले लिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सचमुच में बिहार में शराब की बहार है, या फिर शराबबंदी पर सियासत हो रही है, या फिर सिस्टम पर शराब माफिया भारी है। इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस तरह से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है शराबबंदी को लेकर, उसी की एक बानगी आपको दिखा देते हैं। ये है कि बिहार विधानसभा में बॉटल गिन रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा के प्रांगण में कहां से आया इसकी जांच नहीं हो रही। पटना में कितना जिला क्रॉस करके आया है इसकी जांच नहीं हो रही। बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आया इसकी जांच में दिलचस्पी नहीं है। अगर ये लोग अपना ईमानदारी से काम करते हैं तो आज सब लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़ता। तेजस्वी यादव जी को उतने बड़े कैंपस में कैसे पता चला कि शराब का बोतल वहां है? इसलिए इसमें साजिश है, इसमें आरजेडी के लोगों का हाथ है। और आइए अब इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता चंद्र प्रकाश हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। अभिषेक झा, वैसे तो नीतीश कुमार सबको शपथ दिलवाते हैं, वो ये भी कहते हैं ना राज्य में शराब आने देंगे न किसी को पीने देंगे, तो फिर ये विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें कैसे पहुंच जाती? देखिए, बहुत ही मजबूत और नेक इरादे से गांधी जी के आदर्शों पर चल के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी जैसे कड़े कदम को बिहार जैसे कम राजस्व वाले प्रदेश में लागू किया। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं। बीते दिनों में भी लगातार समीक्षा हो ही रही थी और मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक करके कैसे कड़ाई से इसको सख्ती से लागू किया जाए इस बारे में निर्देश दिया। सीमावर्ती जो इलाके हैं जहाँ से शराब की तस्करी लोग करते हैं वो भी है। अभी हाल के दिनों में ही आपने देखा है कि बंगाल और झारखंड के रास्ते एक बड़े तस्कर का जो पूरा गिरोह था, जो लोग इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अब सवाल उठता है जैसे विधानसभा के परिसर में शराब की बोतल मिली, इस पर तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है, इस तरह की चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने परमिशन मांगा विधानसभा के अध्यक्ष से कि आप जांच के लिए आदेश दीजिए, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को निर्देशित किया कि जांच करके पता करें कि आखिर किसने इस तरह की हरकत को किया है। लेकिन इन सबके बीच एक बात पे तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है ही ना, कि वहां जो शराब की बोतल बरामद हुई किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। सबसे पहले इस बात की जानकारी नेता प्रतिपक्ष को होती है, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत करना उचित नहीं समझा, लेकिन इसको अपनी राजनीति के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए वो उचित समझा उन्होंने, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो हमारी मंशा है, जैसे आप ही अपने इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि नीतीश कुमार जी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, मीमांसा जी मैं आपको गंभीरतापूर्वक बताना चाहता हूं कि चाहे हमारे विपक्ष के लोग कुछ भी कह ले, शराबबंदी से बिहार में माहौल में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। महिलाएं सशक्त महसूस कर रही हैं और शराब जैसी चीज पर का अनुकरण तो किसी को करना ही नहीं चाहिए। तो विपक्ष के लोग भले ही लार टपका लें, शराबबंदी के खिलाफ अपने कई सारे बयान दें, कितनी भी बातें कहें, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो रवैया है जो पहले था वही होगा। हम हमेशा समीक्षा इस बात की करेंगे कि शराबबंदी को कैसे हम मजबूती से लागू करें, कभी समीक्षा इस बात की नहीं होगी कि शराबबंदी को विपक्ष के अनुरोध पर बिहार में समाप्त कर दिया जी। लेकिन संजय सिंह जी, तेजस्वी यादव तो आरोप लगा रहे हैं कि ये तो शराबबंदी के नाम पर सिर्फ ढकोसला हो रहा है, घर घर पहुंच रही है शराब की बोतलें, होम डिलीवरी हो रही है, लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, राजस्व का नुकसान हो रहा है और 20,000 करोड़ का अवैध कारोबार चल रहा है इसके जरिए। देखिए, शराब एक सामाजिक बुराई भी है और कानून बनने के बाद बिहार में कानूनन अपराध भी है, और मैं मानता हूं कि कई लोग कानून का उल्लंघन करते हैं,
लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, सजा सुनाई जाती है, लोग जेल के सलाखों के अंदर है, सजा सुनाई गई है। लेकिन मैं पूछता हूँ तेजस्वी यादव जी से कि क्या अगर आईपीसी की किसी धारा का उल्लंघन होता है तो उस धारा को समाप्त कर दिया जाए? क्या ये रास्ता है? क्या शराबबंदी और सख्ती से लागू हो, उसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, महिलाओं के जीवन में सुधार आया है, गरीबों के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन ये बेचैन है। जब ये कानून बना था तब राष्ट्रीय जनता दल के लोग सरकार में शामिल थे, हम तो प्रतिपक्ष में थे, हम भी ने भी समर्थन किया था शराबबंदी कानून का, और आज ये इस तरह छटपटा रहे हैं इस कानून से जैसे पानी के बिना मछली छटपटाती है। शराब माफिया, शराब कारोबारियों के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये माहौल बनाने में लगे हैं और शराब बंदी को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि सरकार इस निर्णय से पीछे हट जाए। मैंने और एनडीए ने बार बार कहा है कि शराब बंदी कानून और सख्ती से लागू होगा, पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति पर कायम है। जी, घटनाएं होती हैं, जो भी उल्लंघन करेगा सजा पाएगा, लेकिन कानून को वापस लेना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ठीक है चितरंजन गगन जी, इसके लिए राष्ट्रीय जनता 2016 में जब लागू हुई थी शराबबंदी, तब आप सत्ता में थे, तब आपको शराबबंदी बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन अब आप विपक्ष में हैं तो यही आपके लिए विलन बन गई। एनडीए के लोग जो है सो किसी चीज को गलत ढंग से इंटरप्रेट करना इन लोगों का स्वभाव रहा है। जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में तो धरल्ले से खुलियाम जो है सो शराब का दुकान जो है सो खुलना शुरू हो गया। एक एक पंचायत में दो दो शराब के दुकान खोले गए, शराब पीने का आदि इन लोगों ने बना दिया लोगों को। और राष्ट्रीय जनता दल ने उस समय बाजाबता से आंदोलन किया था कि इस जंग से खुलियाम शराब का दुकान खुल रहा है और स्कूल के नजदीक जो पूजा स्थल है उसके नजदीक सारे प्रावधान को तोड़कर खुलियाम शराब का दुकान खोलने की अनुमति दी जा रही है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया, आंदोलन किया। जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ जनता दलों का गठबंधन हुआ और महागठबंधन का सरकार बना तो राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में शराबबंदी लागू किया गया, और जब तक महागठबंधन की सरकार रही बिहार में शराबबंदी सही ढंग से अमल में आया। और आपके आपके सरकार से जाते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया है। चितरंजन जी, गड़बड़ मौत तो पहले भी हो रही थी, जहरीली शराब पहले भी पहुंच रही थी वहां पर, तब भी मौत हो रही थी। नहीं नहीं, लेकिन अब आप सत्ता में नहीं है तो आपको पसंद नहीं आ रहा। नहीं नहीं मानसा जी, देखिए उस समय एक घटना घटा जिसको सजा मिला, लेकिन एक बता दे कि उसके बाद एक भी किसी को सजा मिला हो, या जो कहते हैं कि हाँ अभी अभिषेक झा जी कह रहे थे, संजय जी कह रहे थे भाजपा के साथी कि कानून बना हुआ है, तो ठीक है हत्या का कानून बना हुआ है कि हत्या के खिलाफ में फांसी होगा और हत्या हो रहा है तो सबके हाथ में आप राइफल धरा दीजिए। अरे साहब आप लागू करने में विफल हैं, कहीं ना कहीं आपके संरक्षण में हो रहा है। आपने आपने तो कहा कि सरकार संरक्षण दे रही है, अभिषेक झा इस बात का जवाब दीजिए, सरकार शामिल है, ये संरक्षण दिया जाता है इसी वजह से जो शराब माफिया है वहां पर फल फूल रहे और सजा नहीं दी जा रही, यानी कि जो कानून तोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अभिषेक झा जवाब दीजिए। देखिए आपको ध्यान में होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, बिहार सरकार की एक पूर्व मंत्री थी जिनके घर पर शराब की बरामदगी हुई थी, उनको उनके पति को और उनके घर के अन्य लोगों को जेल जाना पड़ा था। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है जो राजद के प्रवक्ता साथी है, अभी दो तीन दिनों पहले डेहरी ऑन सोन यहाँ बिहार में एक जगह है जहां पर राजद के विधायक के होटल से शराब की बोतलें बरामद हुई थी। इनके विधायक है राजवंशी महतो, बेगूसराय जिला से आते हैं, उनके पुत्र है राकेश कुमार, उनकी तस्वीर शराब पीते हुए वायरल होती है, आरजेडी के युवा जिलाध्यक्ष है बेगूसराय के,
तो ये लोग तो शराब प्रेमियों को अपने यहां संरक्षण देते हैं, तभी तो यदा कदा कांग्रेस पार्टी हो या राजद के लोग हो, इनके मुखारविंद से निकलता ही है कि शराबबंदी ठीक नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। लालू जी इसके पक्षधर हो जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल उसके पक्षधर हो जाती है। अरे भैया, कोई करेगा गड़बड़ी हम उस पर कार्रवाई करेंगे ही, कोई हमें रोक नहीं सकता है। लेकिन चोर डकैती बंद तो नहीं हुई है, अब शराबबंदी, ये क्या इसी का यही समाधान निकलेगा कि कानून जो है वो वापस हो जाए, पाबंदी हटा लिया जाए? मीमांसा जी, नहीं नहीं जरा उधर उधर वो शांत हो जाए तो मैं अपनी बात कहूँ। पहले चंद प्रकाश जी अपनी बात रख दे, चित्रंजन जी मैं आ रही हूँ। देखिए, हाँ नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना कि देखिए, कांग्रेस का जो स्टैंड है शराबबंदी को लेकर के, कानून को हम कभी वापस लेने की बात नहीं करते हैं। लेकिन ये समय समय पर जो बातें हो रही हैं, अभी 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 देखिए, आपके यहाँ बहस चल रहा है विधानसभा के कैंपस में, विधानसभा में वो शराब का बोतल मिलने का, और दूसरे तरफ अभी तुरंत की घटना हुई है कि पटना का पुलिस लाइन जो राजधानी का स्थल है, वहाँ पर भारी मात्रा में शराब के बोतलें बरामद हुई हैं। तो ये लगातार जो हो रहा है, तो मतलब प्रश्न चिन्ह शराबबंदी का कानून पर नहीं है। कानून बनाए हैं, ठीक किया है, और कानून नीतीश कुमार जी ने भाजपा से मिलकर थोड़े बनाया, वो तो महागठबंधन की जब सरकार थी, कांग्रेस आरजेडी जेडीयू की जब सरकार थी, उस समय ये कानून बना। तो कानून बनाने के तो विपक्ष में थी, भी हैं, लेकिन उन्होंने समर्थन किया था, आपको ये भी याद दिला दो, लागू करने का। नहीं नहीं, विरोध किया नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, विरोध किया था। नहीं नहीं, समर्थन का बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सरकार किसकी थी। सरकार हम लोगों की थी, हम लोगों ने बनाया, और आज भी हम चाहते हैं कि वो कानून सख्ती से लागू हो। लेकिन आप देखिए, इसमें ज्यादा गरीब लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, ये देखना पड़ेगा सरकार को। आज 2 लाख से ज्यादा मुकदमा हाई कोर्ट में लंबित है, आप देखिए कि वो 2 लाख जो मुकदमा लंबित है उसमें कितने गरीब लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, और 2 लाख और कई मतलब इतने लोग जेल जा रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं? सरकार को कहीं ना कहीं छोटी सी बात, एक ठीक है। अभिषेक झा इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी 2019 में, क्या हो रहा है कि शराबबंदी कानून से जुड़े हुए 2 लाख से ज्यादा मामले न्यायपालिका पर बोझ हैं, ये पटना हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। नहीं देखिए, शुरुआती दिनों में या लागू कानून के लागू होने के कुछ समय बाद तक भी बहुत सारे लोग जब इसको सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे थे, कानून को रिवाइज करके और सख्त किया गया, तो जाहिर सी बात है जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे उन्हें तो सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। अभी सब लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के भी साथी हमारे कह रहे थे, हमारा एक बड़ा छोटा सा सवाल है, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता यहां पर अजीत शर्मा जी हैं, विधायक दल के नेता हैं मीमांसा जी, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कई दफे कहा है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, और ताकि रेवेन्यू का एक अच्छा सोर्स हो जाए। इनकी खुद की पार्टी की महिला विधायिका है, इसी स्टूडियो में बैठ के कहती है आप शराबबंदी के खिलाफ है कि नहीं है, आप शराबबंदी के पक्ष में खिलाफ में है, आप जी। वैसे ये बात तो लालू प्रसाद यादव ने भी कही थी कि ये कानून जो है ये खत्म कर देना चाहिए, उसके बाद आपने अपनी पार्टी का स्टैंड बदल दिया क्योंकि ये सूट नहीं करता मोरली पे, कि कुछ आप बोलिए ना, सरकार बोल रही है कि साजिश। अच्छा चित्रंजन गगन जी, ये बता दीजिए, आपकी सरकार अगर आती है क्या आप शराबबंदी हटा देंगे? सीधा सीधा जवाब चाहिए मुझे चित्रंजन गगन जी। तो सरकार अगर करे शराबबंदी, बाकी सब चुप हो जाए, मैं आ रही हूँ आपके पास। चित्रंजन गगन जी से मेरा सवाल है, कारोबार शुरू करना और अवैध कमाई करना, इसका मैं विरोध करता हूँ। शराबबंदी को अमल में आप नहीं लाकर आप राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं, अवैध कारोबार कर जो एनडीए के नेता मालोमाल हो रहे हैं, तो यह शराबबंदी किस लिए? जब शराबबंदी आप करके सरकार के राजस्व की हानि हो रही है और आपका पॉकेट गड़बड़ा रहा है, आपका फंड जमा हो रहा है, इसीलिए आज बिहार में जब शराब खुला था तब जितना शराब का खपत था आज उसे दुगना शराब की खपत है बिहार में। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार का हेल्थ विभाग का जो रिपोर्ट आया है
तो यही तो सवाल मैं कर रही हूँ चित्रंजन जी, अगर आपको लग रहा है आर्थिक नुकसान इसकी वजह से हो रहा है तो आप अगर सत्ता में आए तो क्या शराबबंदी पर आपका स्टैंड होने वाला है? आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे कि आप शराबबंदी बंद कर देंगे, आप ये कानून वापस ले लेंगे? साफ बताइए ना। मेरे मैनिफेस्टो में है, मेरे मैनिफेस्टो में है, भाजपा के मैनिफेस्टो में नहीं है, जनता दलियों के मैनिफेस्टो में नहीं है। तो आप नहीं कहते हैं? उन्होंने तो वादा किया था, उन्होंने तो वादा किया था महिलाओं से, उसके बाद शराबबंदी लागू हुई। विमानता जी कार्रवाई करिए, झूठ बोलने की इन लोगों का आदी है। आप देख लीजिए कि इनके शराबबंदी में महिलाओं पर अत्याचार कितना बड़ा है, आप देख लीजिए कितना गैंग रेप हुआ है, कितना। अरे महिलाएं खुश है, महिलाएं के साथ, अरे महिलाएं खुश है, तभी हम वोट देती हैं। नीतीश कुमार जी के महिला सशक्तिकरण, तो आप कह रहे हैं अपराध बढ़ा है, जाता है। संजय सिंह जी जवाब दीजिए, अपराध बढ़ा है तो फिर हासिल क्या हो रहा है इससे? एनसीआरबी का रिपोर्ट आप देख लीजिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए। एक और मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि 15 साल के राजद शासन काल में एक भी गैंग रेप का उदाहरण दे दे, एक एक ओनली वन उदाहरण दे दे, और इनके सामने डेली गैंग रेप की घटनाएं घट रही है। क्या बात करेंगे, हत्या लूट या तो बलात्कार या तो आम बात हो गई है। संजय सिंह जी जवाब दीजिए, अपराध बढ़ रहा है? लगता संजय सिंह जी तक तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी कि अभिषेक जी आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो घरेलू हिंसा के मामले हैं उनमें गिरावट आ रही है, जितनी अपराध की घटनाएं हैं वो कम हो गई हैं, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं इसके बाद जो शराब पीकर होती थी वो कम हो गई हैं, लेकिन विपक्ष तो आप पर और ही आरोप लगा रहा है कि अपराध बढ़ रहा है। देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना। मीमांसा जी, पहले 2010 से लेकर 2015 तक ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते थे उनकी संख्या थी 7304, लेकिन जब से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई है 10 मामले महज दर्ज हुए हैं जिनमें ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से किसी ने रैश ड्राइविंग की और वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया। अभी भी बिहार महिलाओं पर जो अपराध होते हैं उन मामलों में 23वें स्थान पर देश में आता है। जो घरेलू हिंसा होती थी उसमें भी जबरदस्त कमी हुई है। आप तो बिहार पता नहीं पिछले बार कब आई होंगी, लेकिन अगर आप बिहार में आकर यहां की महिलाओं से बातचीत करेंगी तो आपको न जाने कितने इंस्टेंसेस मिलेंगे जहां दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग अपने दिनचर्या में कमाई हुई राशि का आधा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ शराब पीने में बर्बाद कर दिया करते थे। आज उनके जीवन में खुशहाली है, महिलाएं लेकिन अभिषेक जी फिर एक आंकड़ा फिर वही वहां भुला देते हैं जो 150 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, वो जवाबदेही किसकी बनती है? विमानसर जी मैं उस पर भी आपका ध्यान, मैं देखिए सर जहां भी गड़बड़ियां होती हैं प्रशासन जवाबदेही लेते हुए कार्रवाई करता है। हमारा पड़ोसी राज्य है बंगाल, जहां पर शराब पूर्ण तरीके से चालू है, वहां भी 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु अभी हुई है जहरीली शराब पीने से। अलीगढ़ में 120 लोगों की मृत्यु हो गई जहरीली शराब से। जब से शराबबंदी लागू हुई है बिहार में 128 मौतें दर्ज हुई हैं। देखिए जहरीली शराब कोई अगर सेवन करता है, कोई अगर उसका कहीं कोई बेचता है, ये गलत चीज है, लेकिन शराबबंदी से जहरीली शराब को जोड़कर देखना उचित नहीं है। ठीक है, मैं इस पर एक कमेंट ले लेती हूँ चित्रंजन जी। पक्ष विपक्ष जहाँ पर शराबबंदी नहीं है वहां पर भी तो अवैध शराब का कारोबार होता है, वहां पर भी तो लोगों की मौत हो रही है। जो भारत सरकार का हेल्थ विभाग का जो रिपोर्ट आया है कि महाराष्ट्र जहाँ पर की शराबबंदी नहीं है वहाँ पर कितने परसेंट लोग, वहाँ पर 13% लोग शराब पीते हैं। बिहार में शराबबंदी है तो 15% से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। या मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार जो एनडीए की सरकार है उसके हेल्थ विभाग का रिपोर्ट है। इस पर पूछिए कि यह गलत है या सही है। नहीं नहीं, वो तो मैंने उनसे जवाब ले लिया ना, आप अपना जवाब तो दे नहीं रहे कि फिर ये समस्या का समाधान कैसे हो सकता है अगर अवैध शराब का कारोबार और राज्यों में भी हो रहा है। आप तो ये कह रहे हैं ना कि वहां पर भी हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है, तो शराबबंदी जो है ये कानून वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन संजय सिंह, मेरा आपसे भी एक सवाल है, बीजेपी के कुछ विधायक हैं वो खुद ही ये बात कह रहे हैं कि जैसे कृषि कानून वापस ले लिए गए, शराबबंदी कानून भी वापस लिया जाना चाहिए। संजय सिंह जी आखिरी कमेंट आपका, मेरे पास वक्त नहीं है। संजय सिंह सवाल ही नहीं उठता है, सरकार इस बात पर कायम है कि इस कानून को हम लागू रखेंगे और सख्ती से पालन करेंगे।
मैंने पहले भी कहा कि कानून का उल्लंघन होता है तो जो उल्लंघन करता है उसको सजा मिलती है, विधि समक्ष कार्रवाई होती है, तब ना लोग जेल के सलाखों के अंदर है। और चितरंजन जी जब कह रहे हैं कि बिहार में लोग शराब पी रहे, कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं चुनौती देता हूं हरिभूषण ठाकुर, आप ही की पार्टी के हैं ना, अंदर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो तो कह रहे हैं कि ये कानून वापस लिया जाना चाहिए, कि लाखों लोग जेल के अंदर गए और दूसरा तरफ कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग पर्दे के पीछे से शराबबंदी का जवाब नहीं दिया है जी। हरिभूषण ठाकुर जो हैं वो बीजेपी के ही है ना, वो तो कह रहे हैं कि ये कानून वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, पार्टी सरकार के निर्णय के साथ है, कोई व्यक्ति क्या कहता है उससे सरकार की मंशा और पार्टी के स्टैंड पर कोई अंतर नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता है। जब पूरी पार्टी और हम भी पक्ष में थे, जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था बिहार में 2016 में, हम भी पक्ष में थे, हमने समर्थन दिया था शराबबंदी। और इस पर किस तरह से अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, और 1977 में कर्पूरी ठाकुर भी शराबबंदी कानून लेकर आए थे, लेकिन ये जो पाबंदी लगाई गई थी वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई थी, क्योंकि तस्करी जो है वो काला बाजारी होती रही है शराब की, और इन्हीं चुनौतियों से अब जूझ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।